दोस्तों इंडियन वुमेन टीम साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम के साथ में 3 T20 मुकाबले खेलेगी। 5, 7 और 9 जुलाई को ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों मुकाबलों के लिए एक ही स्टेडियम का इस्तेमाल किया जाएगा, एमएस चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई का, जिसे कि हम लोग चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तीनों मुकाबले शाम को 7 बजे शुरू होंगे। अगर आपको तीसरे T20 यानी कि 9 जुलाई 2024 को जो मुकाबला खेला जाएगा इसकी टिकट बुक करनी है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि टिकट के प्राइस जो है वो मात्र 150 रुपए हैं। मात्र 150 रुपए में आप टिकट बुक करके स्टेडियम में बैठ के आराम से मैच देख पाएंगे। साथ ही साथ इसके टिकट बुक करना बहुत ही आसान है क्योंकि टिकट की लाइन जो है वो लगातार खुली हुई है। इसकी टिकट कैसे बुक करनी है चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसके टिकट को बुक करने के लिए आपके मोबाइल में पेटीएम इंसाइडर नाम का ऐप होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऐप है ये। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे आप तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे सर्च करना है आपको RDFC। RDFC सर्च करने के बाद आपको 1, 2, 3 तीनों मुकाबले टिकट दिखाई देगी। तो तीसरे मुकाबले टिकट बुक करनी है तो तीसरे मुकाबले पे क्लिक करके आपको अंदर जाने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। बाय नाउ पे टैप करने के बाद आपको अपना सीटिंग एरिया चूज करना है। सीटिंग एरिया चूज करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको टिकट की सारी डिटेल दिखाई जाएगी। इसको ऐड टू कार्ट करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको 150 रुपए का पेमेंट करना है। 150 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपकी टिकट जो है वो बुक हो जाएगी। बुक होने के बाद इसके बॉक्स ऑफिस की जो भी जानकारी है वो आपको बाय SMS या बाय मेल पेटीएम इंसाइडर द्वारा आपके मोबाइल पे दे दिया जाएगा।